आज हम ये साइंस के कुछ एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। एचएसएससी में जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि सिल्वर क्लोराइड इज डीकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? लीड, स्टीम, सनलाइट, MnO2। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl2, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड ये किस में डिकम्पोज होगा? सिल्वर और क्लोरीन में, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होगा? तो वो होता है हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे है सनलाइट, ठीक है। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें पॉइंट आता है हमारा, जो आता है वो क्या आता है कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या है, उसका जो वाइट कलर होता है सिल्वर क्लोराइड का, वो किस में बदल जाता है? हमारा ग्रेइश वाइट में, जब सिल्वर मेटल को हम बनाते हैं, ठीक है। मतलब सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या है? वाइट। और वो किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेइश वाइट कलर्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन व्हाट? वाटर, कैरोसिन, बेंजीन, पेट्रोलियम। अब किस में होता है जो कंपाउंड होता है उसमें दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होता है आयोनिक, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक हमारा है आयोनिक, ठीक है। एक हमारा है आयनिक को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट वेलेंट, ठीक है। और एक हमारा क्या है, सेकंड क्या होता है हमारा? कोवेलेंट, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड दो तरह से होते हैं। जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है उसका क्या होता है, जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है वो हमारे कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे जब हमारे आयंस की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रोवेलेंट मतलब आयनिक, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, जैसे सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनी 2 8 1, क्लोरीन की 2 8 7, इसे 1 की नीड है और इसको 1 इसके पास एक्स्ट्रा है, तो सोडियम ने 1 अपना किसको शेयर कर दिया? इसको। तो जो सोडियम था, सोडियम ने हमारा शेयरिंग कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और क्लोरीन को दे दिया नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसने इसको शेयर कर दिया, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोवेलेंट आयनिक कंपाउंड, ठीक है। ठीक है, और जो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है वो हमारा बेसिकली क्या होता है, जो आपके बॉन्ड को शेयर करता है, जैसे क्लोरीन है, इसे इसको 1 की नीड थी, इस क्लोरीन को भी 1 की नीड थी, इन दोनों ने आपस में ही एक्सचेंज कर लिया, तो इनके बीच में एक बॉन्ड लग जाता है, दिस वन, ठीक है। अब जैसे बात करें ऑक्सीजन को 2 की नीड होती है, इसने 2 अपने आपस में ही शेयर कर लिए, तो इस चीज़ को बोलते हैं, जब बॉन्ड आपस में ही शेयरिंग कर रहा है तो उसे बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट। अब जैसे एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को 3 की नीड होती है, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो हमारी होती है 3, तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या लेते हैं, नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, क्योंकि वो 3 आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमारे किस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमारे, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें वो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्युबल में, लाइक बेंजीन, एल्कोहल, इथाइल, इसमें हमारे इजिली सॉल्युबल है। जो इलेक्ट्रोवेलेंट है आयनिक कंपाउंड है वो हमारे इजिली किस में घुल जाते हैं? हमारे पानी में, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर। अब यही क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है वो किस में सॉल्युबल है, तो वो किस में सॉल्युबल हो गया? हमारे वाटर में। वाटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्लैक लाइन, ठीक है। स्लैक लाइन को क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। अब इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, अब इसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसे, इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, देखो सबसे पहले हमारा जो है लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म किया, ठीक है, 1500 फारेनहाइट पे गर्म किया, तो हमारे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग से प्रोड्यूस हो गई और हमारा क्या बन गया, क्विक लाइम, ठीक है, बेसिकली
बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। उसको फिर से हीट किया, ठीक है, फिर से हीट किया और उसमें क्या मिला दिया हमने, पानी, ठीक है, पानी मिलाया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसमें क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इसने क्या किया, पानी निकाल दिया और क्या बन गया हमारा, CaOH2+CO2 कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब अगर इसके रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन देखो कैसे कैसे रिएक्शन है इसमें, देखो सबसे पहले CaCO3 इसको हमने गर्म कर रहे हैं तो हमारा बन गया हमारा CaO+CO2, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड में हमने मिला दिया पानी तो क्या बन गया हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH double, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया, इसमें क्या मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी तो इससे जो रिएक्शन हुई वो क्या बन गया हमारा, CaCO3, ठीक है, CaCO3 और पानी हमारा अलग से प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शंस हो गई है, फिर से वही हमारा लाइमस्टोन बन जाता है। तो हमारे बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बुझे हुए का है, नहीं बिना बुझे हुए का है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, और बिना बुझे हुए का क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ हमारी क्या है, 11 किलोमीटर। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट हैविंग द ट्वाइस द रेडियस, रेडियस के ट्वाइस है, और उसके बाद बोलता है देन द सेम मीन डेंसिटी एज द अर्थ, डेंसिटी सेम है, डेंसिटी में चेंज नहीं आ रहा, हमने क्या बताना है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट बताना है। तो देखो इसके लिए हमने क्या किया, एस्केप वेलोसिटी जो होती है हमारी, एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस की, वो क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2g ग्रेविटेशनल फोर्स मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। तो मास हमारा क्या है, डेंसिटी उसकी, मतलब वॉल्यूम 4/3πr³। तो इससे क्या आ गया हमारा, एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ। फिर वो कहता क्या है कि जो ये तो हमारी बात हो रही थी अर्थ की, ठीक है, अब वो कहता है कि जो प्लैनेट की वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी है, वो क्या है, डबल ऑफ रेडियस है। तो दोनों का आपने रेशो ले लिया, वेलोसिटी एस्केप ऑफ अर्थ रेडियस अपॉन में डबल ऑफ रेडियस, जिससे हमारी क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया एक तरह से, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट इज ट्वाइस द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। तो ये अर्थ की कितनी है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 22 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22 किलोमीटर्स, ठीक है, पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, वो हमारा क्या होता है, बैरोमीटर। और एमीटर और गैल्वेनोमीटर ये हमारे किसको मेजर करते हैं, करंट को, ठीक है, करंट को मेजर करते हैं। अब करंट में इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो एमीटर होता है उसमें डायरेक्शन नहीं होती कि इस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर हमें डायरेक्शन भी बताता है, ये फर्क है दोनों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द जनरेशन ट्रांसमिशन एंड यूज ऑफ द लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर। जब हमारी लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर की का ट्रांसमिशन होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारा एक फील्ड सा क्रिएट हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, कब होता है, जब हमारी लो फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर हो रही हो, ठीक है। जैसे ये देखो इसकी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ अ टाइप लो फ्रिक्वेंसी या नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन एंड दे कैन कम फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड मैनमेड सोर्सेज, किसी के भी थ्रू वो पास आउट हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है या मैनमेड भी हो सकती है, लेकिन होनी क्या चाहिए, वो लो फ्रिक्वेंसी की और नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन की, ये दो पॉइंट मेन है इसमें, ठीक है।
जैसे इसने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि लाइटनिंग ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म क्रिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन बिकॉज इट क्रिएट अ करंट बिटवीन द स्काई एंड द ग्राउंड। जब आपकी बिजली चमकती है, बिजली चमकती है तो वो किसकी वजह से होता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से होता है, जिससे स्काई और आपके ग्राउंड में, ठीक है, स्काई और ग्राउंड में करंट सा प्रोड्यूस होने लग जाता है, ठीक है, जिससे हमारी बिजली कड़कने लग जाती है, ठीक है। ये भी इसी का एग्जाम्पल होता है, वो क्रिएट करता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। अब ये ब्राइन क्या है, ब्राइन हमारा होता है सोडियम क्लोराइड, इट डीकम्पोज टू फॉर्म, क्या बन गया वो, NaOH, ठीक है, NaOH ले लिया, मतलब आपका ब्राइन का सॉल्यूशन है, इसमें क्या मिल गया हमारा, पानी, तो क्या बन गया हमारा, NaOH, ठीक है, NaOH बन गया, और साथ में हमारी क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। उसके बाद अब इसने क्या किया है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोरा एल्काइली प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ठीक है, आपका क्या है, आपका ये आपका सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, पानी मिला दिया उसमें, और हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर दी, हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब NaOH है, इसका यूज़ हम किस लिए कर लेते हैं, सोप और डिटर्जेंट में बनाने में यूज़ कर लेते हैं, और जो क्लोरीन गैस है इसका ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। क्लोरीन गैस का हमारा ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ हो जाता है, और हाइड्रोजन का अमोनिया फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपका क्लोरा एल्काइली प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मेटल कार्बोनेट, ठीक है, किसकी बात कर रहा है वो, ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद दिस सेट, कोई भी मेटल ले लिया, कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करा ली, मतलब उसमें एच आयन तो होगा ही होगा, एच कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एसिड में एच समथिंग होगा, जैसे HCl हो गया, कुछ भी हो सकता है आपका। उसने क्या बना दिया, आपका सॉल्ट बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, देखो सॉल्ट बना दिया, MX बना दिया, ठीक है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बना दी, CO2, ठीक है, और क्या बना दिया, अब क्या बच रहा है आपका, एच, ठीक है, तो ट्वाइस लगा दें अगर हम इस पे, तो H2O, ठीक है, H2O एक्स्ट्रा है, तो ये हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हमारा पानी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और वाटर मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा इसका वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिंगिंग हेयर्स ऑफ द नेटल लीव्स, ठीक है, नेटल लीव्स है, ठीक है, बिच्छू के पत्ते हैं वो, मतलब उसके जो डंक है वो कैसे इंजेक्ट हो जाता है पर्सन, उसे बर्निंग पेन होने लग जाता है, तो वो किसकी वजह से पेन होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, तो वो एसिड का नाम है मैथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसके बिच्छू के पत्तियों में जो डंक के चुभने से, चुभने वाले रोम का डैश का अंतःक्षेपण है करते हैं, जिससे जलन युक्त दर्द होती है, तो क्या आंसर होता है आपका, मैथेनोइक एसिड, ठीक है। जो मैथेनॉइक एसिड है उसे हम फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। और इसकी जो रेमेडीज है, मान लो जो इससे हमें पेन हो रहा है, उसकी जो रेमेडीज है उसकी क्या है, डॉग लीव्स, और डॉग लीव्स में आपका कौन सा एसिड हो जाता है, आपका ऑक्जैलिक एसिड, ठीक है, उसमें ऑक्जैलिक एसिड होता है, जिसका जो उसका ट्रीटमेंट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग स्टील विद अ थिन लेयर ऑफ, गैल्वेनाइजेशन में जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है आपकी, वो होती है आपकी जिंक की, ठीक है, कोटिंग किसकी होगी, जिंक की, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में जिंक की कोटिंग होती है, जो हमारी आयरन और स्टील को रस्ट होने से बचाती है, ठीक है, आयरन और स्टील की रस्टिंग से बचा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, अब एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.25 × 10^18, तो ये करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन KO2, ठीक है, KO2 ईच
ऑक्सीजन एटम इज असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। हमने क्या बताना है, ऑक्सीजन जो है उसका हमने नंबर बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हमने के ले लिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। फिर हमने ले लिया डबल है, डबल कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ कर दिया, ठीक है। वो हमारा टोटल मिला के कितना होना चाहिए, ज़ीरो। तो ऑक्सीडेशन ऑफ के, पोटेशियम, पोटेशियम की वैलेंसी होगी हमारी वन, ठीक है। टू, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमने निकालना है, एंड ले लिया इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। एक मिनट, पोटेशियम की यहाँ पे क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू, हाँ एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 आ जाएगी ना, -1/2, और पोटेशियम का -1 होता है, ये आ जाएगी हमारी, एक मिनट, ये हमारी आ जाएगी 0.5, ठीक है। के ओ टू का, के ओ टू में ऑक्सीजन एटम का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, वो हमारा हो जाएगा 0.5, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, ये मतलब आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर हमारा होता है -1 ही होता है, ठीक है, -1, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम -1, डबल ऑफ ऑक्सीजन का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर एन ले लिया, ठीक है, +1 होता है, सॉरी +1, -0.5 आंसर आएगा ना इसका, तो एन की वैल्यू हमारी -0.5 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डैश इज अ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल बताना है जिसमें क्या होती है, लस्टर होती है, चमक होती है, तो हमारा क्या है, आयोडीन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि नॉन मेटल क्या है, ठीक है, नॉन मेटल जो हमारी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाती है, तो उस चीज़ में आता है हमारा आंसर ब्रोमीन। अगर यही क्वेश्चन मेटल में आ जाए कि मेटल में जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाती है, तो उसका आंसर आ जाता है मरकरी, पारा, ठीक है, पारा आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये तीन क्वेश्चन आते हैं इससे। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल हैजर्ड। बायोलॉजिकल हैजर्ड नहीं है, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया, फंगी, ये सारे बायोलॉजिकल हैजर्ड है, जो रेडियो एक्टिव है वो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये है ना, हमारे जो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स है उसके अंदर जो हमारे आ जाते हैं वही बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, ये जो बीमारियाँ इनके द्वारा फैलती है, ये सारे बायोलॉजिकल है। और केमिकल में क्या आता है, जब केमिकल बर्न्स हो हमारे किससे, बाय कोरोसिव लिक्विड से हो, ठीक है, लिक्विड से हो। और फिजिकल हैजर्ड हमारे किस में हो जाते हैं, जो फिजिकली हो, मतलब किसी की आवाज़ से, कोई इक्विपमेंट इतना तेज चल रहा है उसकी आवाज़ से हमें नॉइज, उसकी आवाज़ हमें परेशान कर रही है, उससे हमें कुछ हो रहा है, दिक्कत आ रही है, ठीक है, या फायर से, एक्सप्लोजिव गैसेस से, ठीक है, फ्लाइंग पार्टिकल से, तो ये हमारे फिजिकल हैजर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए कुछ क्वेश्चन, अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।